आपने बनाई है ये पोटैटो कैनन, आपको पता ही है इसके अंदर 2 फुट का आपने ये फीस लिया था पीवीसी का, एक रिड्यूसर 110 mm बाई 63 mm का और 63 mm की पाइप ली थी और एक बंद प्लग, और इसके अंदर एक अपने लाइटर लिया है जिसको जलाने के लिए। तो दोस्तों ये किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया है, जहाँ किसान ज़्यादा पशु आते हैं या पक्षी नुकसान करते हैं खेतों में, तो वहाँ पर अपने टिड्डी दल के लिए भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर अपने इसके अंदर कार्बेट डाल के और इसको आपको चेक करके बताएंगे। तो ये 2 फुट की पाइप अपने और एक एंड प्लग और एक रिड्यूसर और इसके साथ अपने 2 फुट की 63 mm की पाइप। तो अपने इस तरीके से इस रिड्यूसर को ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से, अपने इसको पीवीसी सॉल्यूशन अच्छे तरीके से लगाकर और एकदम से इसको टाइट कर देंगे। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद में जो अपने 2 इंच यानी लगभग 63 mm की जो पाइप है उस पर अच्छे तरीके से अपने पीवीसी सॉल्यूशन को लगाकर और अच्छे तरीके से इसको फिट कर देंगे। तो ये लगभग अपनी पोटैटो गन बन के तैयार हो गई है, और एक हैंडल तौर पे इसके और इसको गलाई को सेट करने के लिए अपने रेग मार्ग ऊपर रख कर उस पाइप को थोड़ा सा घसा लेंगे ताकि ऊपर नीचे ना रहो और एकदम से सेट आ जाए। और इसके बाद में अपने सीपीवीसी सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से लगा के और ग्लू गन से इसको एक बढ़िया तरीके से इसको टाइट कर देंगे अपने, और जो अपना एंड कैप था एंड कैप के अंदर अपने आयरन की मदद से होल कर लेंगे और इसके अंदर अपने एडजस्ट कर देंगे। लाइटर को एडजस्ट करने के बाद में अपना ये कैनन बनके एकदम से तैयार हो चुकी है, और अपने विस्फोट चेक करके देखते हैं। अच्छा इसका धमाका हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना,